नारायण नारायण नारायण। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एस्ट्रो राजा मिश्रा आप सभी को बताने जा रहा हूं साप्ताहिक राशि फल के बारे में कि 14 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इसमें मैं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन सभी राशि के बारे में आपको बताऊंगा। प्रत्येक राशि के 14 से 20 तारीख तक के समय के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि किसका समय कैसा रहने वाला है। चार पार्ट में हमने इसको बांटे हैं, ये 8 दिन का राशिफल है तो 2-2 दिन का ये 4 पार्ट है। ये आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करेंगे। चंद्रमा के बारे में जान लें क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर में आधारित है और चंद्रमा पर में ही आधारित है। 14 और 15 तारीख यानी कि 14 और 15 अक्टूबर को चंद्रमा कुंभ राशि में है, 16 और 17 अक्टूबर को चंद्रमा मीन राशि में है, 18 और 19 अक्टूबर को चंद्रमा मेष राशि में है और 20 अक्टूबर को चंद्रमा वृषभ राशि में है। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में होगा, आइए एक एक करके प्रत्येक राशि के बारे में बहुत आसान शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है चर्चा जो हमारी शुरू होगी वो मेष राशि से होगी देवी और सज्जनों, और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा 14 और 15 तारीख को आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि यहां पर मैं कुंभ राशि में रहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए 14 और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा मालिक है कुंडली के चौथे भाव के, अर्थात यहां पर से माता को जमीन को मकान को गाड़ी को उठा करके 14 और 15 तारीख को कुंडली के एकादश भाव में डाल दिया गया। यानी कि इस समय में 14 और 15 तारीख को मेष राशि वालों को माता से लाभ का योग बनेगा, माता से आपको फायदा होगा। जमीन मकान गाड़ी से संबंधित जो लोग जुड़े हुए होंगे, जिनका जमीन मकान गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार का काम होगा उनको वहां से फायदा होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमीन के काम करने वाले लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा, गाड़ी के काम करने वाले लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा, मकान के काम करने वाले लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। अगर आपकी इच्छा थी कि माता से कुछ फायदा मिल जाए तो इस समय में वो फायदा भी आपको निश्चित तौर पर में मिल जाएगा, आपकी बहुत सारी इच्छाएं भी मेष राशि वाले पूरी होंगी। 14 और 15 तारीख के बाद 16 और 17 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में यानी कि मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे, जिसमें आपको 16 और 17 तारीख को थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। इस समय में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, कुछ पैसा आपका कहीं पर फंस सकता है, नुकसान हो सकता है, अस्पताल में कुछ पैसा, हॉस्पिटल में जा सकता है, तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा मेष राशि वाले। और आपको मैं बता दूं कि 18 और 19 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में यानी कि यहां पर मैं कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे। जब प्रथम भाव में आ जाएंगे चंद्रमा तो मेष राशि वालों का दिमाग फिर से सही डायरेक्शन में 18 और 19 तारीख को काम करने लगेगा। जो निर्णय लेंगे बिल्कुल सही निर्णय लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, विनम्रता जो है सो चंद्रमा बना करके रखेगा। बात करेंगे 20 तारीख की, तो 20 तारीख को मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा है यहां पर में कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में जब चंद्रमा आ जाएंगे 20 तारीख को मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, तो इस समय में कुछ पैसा जो फंसा हुआ था वो आएगा आपके पास, स्टोर होगा, जमा होगा, आपके वाणी में वो शक्ति आ जाएगी जिससे लोगों को आप आकर्षित कर लोगे, अपने तरफ खींचने का प्रयास करोगे और लोग आपके तरफ खींचे भी चले आएंगे मेष राशि वाले। आइए अब वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 14 से लेकर के 20 तारीख तक का समय कैसा रहेगा देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के दशम भाव में रहेंगे। वृषभ राशि वालों के चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव के मालिक होते हैं और आएंगे कहां, दशम भाव में। दशम भाव में आने के कारण 14 और 15 तारीख को वृषभ राशि वाले जातक को देखेंगे कि आपको वो लोग भी मान सम्मान देने लगेंगे जो लोग आपको नहीं देते थे,
जिन लोगों को आपसे विशेष ईर्ष्या जलन रहती थी, ऐसा नहीं है कि स्वयं ईर्ष्या और जलन आपका खत्म हो गया, उनका आपसे खत्म हो गया। ईर्ष्या और जलन है, द्वेष है, लेकिन फिर भी मजबूरन उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। इस समय में 14 और 15 तारीख को अगर वृषभ राशि वाले आप चाहें तो पिता से भी कुछ लाभ ले सकते हैं, आपको पिता से भी फायदा हो सकता है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में यहां पर में आ जाएंगे कुंभ राशि में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंभ राशि में जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को आएंगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं, दबी कुचला हुआ जो मन में भाव था, जो पूरा नहीं हो रहा था, ईश्वर की कृपा से इस समय में पूरे होने के योग बन रहे, वो आपकी पूरी होगी। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं जिनको पुत्र वधू दामाद का सुख नहीं मिल पा रहा था, ईश्वर की कृपा से इस समय में आपको सुख की प्राप्ति होगी। आमदनी की इच्छा थी, लाभ की इच्छा थी, फायदे के इच्छे थे जो नहीं मिल पा रहे थे, प्रभु की कृपा से इस समय में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, आपको लाभ मिलेगा, आपको आमदनी में वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है, यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए देख लो कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कि कुंडली के एकादश भाव में, कुंडली के एकादश भाव में, फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा का जो फल होगा वो आपके लिए भाग्य का साथ देने वाला भी होगा, ससुराल से लाभ लेने वाला भी होगा, धर्म का काम करने वाला भी होगा। 16 और 17 तारीख का जो फल होगा वृषभ राशि वाले चंद्रमा का, वो आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाने होगा। 18 और 19 तारीख का जो फल होगा आपके लिए चंद्रमा का, वो आपकी छोटी से छोटी इच्छाएं अगर है वो दबी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो ईश्वर आपकी पूरा कर देगा। इस समय में आकांक्षाओं को दबाने का समय नहीं है ये। और 20 तारीख का जो चंद्रमा का जो फल रहेगा वो ये रहेगा देवी और सज्जनों कि आपके ही राशि में, आपके ही मस्तक पर में रहेंगे, तो आपका दिमाग सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही कैलकुलेट करने की स्थिति में रहेगा और सही निर्णय लेकर के आप इस समय में अच्छा से अच्छा फल ले पाएंगे, इतना मदद करेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में, यानी कि मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुंडली के नवम भाव में, कुंभ राशि में यानी कि कुंडली के नवम भाव में। यहां पर तो मिथुन राशि वालों को क्या होगा कि गुरु का आशीर्वाद मिलेगा इस समय में, यात्राएं बहुत होंगी आपकी, जिस काम को भी करने की इच्छा करोगे इस समय में प्रभु की कृपा से 14 और 15 तारीख को आपका वही काम सफल हो जाएगा। गुरु का उच्च शिक्षा की तरफ कोई निर्णय लेना चाहते वो आपका इच्छा इस समय पूरा हो जाएगा मिथुन राशि वाले। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में, यानी कि मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यहां पर में चंद्रमा आ जाएगा दशम भाव में। मीन राशि में जब ही चंद्रमा आ जाएगा दशम भाव में, आप देखेंगे कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। कब? तो 16 और 17 तारीख को, जब चंद्रमा मीन राशि में है 16 और 17 को, तब मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी, आप देखेंगे आपके सुखों में वृद्धि होने लगेगी, आपको विभिन्न प्रकार के सुख की प्राप्ति का योग बन जाएगा मिथुन राशि वाले। कुछ जमीन, मकान, गाड़ी से संबंधित कुछ फायदा भी आपको मिथुन राशि वाले मिल जाएगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि कुंडली के एकादश भाव, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, यहां पर में आ जाएंगे। जब एकादश भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि वाले आपके लिए चंद्रमा, तो आपको आमदनी ज्यादा होगी 18 और 19 तारीख को, पैसा ज्यादा आएगा, लाभ ज्यादा मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति ज्यादा होगी, इच्छा की पूर्ति ज्यादा होगी आपकी। और 20 तारीख को चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में चला जाएगा, तो 20 को सावधान रहना है, क्योंकि इस समय में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि ज्यादा होंगे, आंख में कुछ एलर्जी वगैरह, कुछ परेशानी वगैरह आपको परेशान कर सकती है। मिथुन के बाद कर्क की बात करते हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुंडली के अष्टम भाव में 14 और 15 तारीख को चंद्रमा है,
14 और 15 तारीख को कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना अर्थात कर्क राशि वाले जातक के लिए ये समय परेशानी का हो गया। 14 और 15 तारीख को कर्क राशि वालों को हर काम में रुकावट बाधा का सामना करना पड़ेगा। चोट वगैरह लगने के योग आपके लिए बन जाएंगे। कुछ गहन अध्ययन कर सकते हैं आप 14 और 15 को, चाहे तो ईश्वर की साधना कर सकते हो, उसमें आपकी रुचि बहुत गहरी जाएगी। 16 और 17 तारीख को कर्क राशि वाले चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में आ जाएगी, यानी कि अगर चाहो तो साला साली से फायदा ले सकते हो, ससुराल पक्ष से लाभ ले सकते हो, भाग्य का साथ लेकर के कुछ बड़ा काम कर सकते हो 16 और 17 तारीख को कर्क राशि वाले। 18 और 19 तारीख को बताऊं तो चंद्रमा आपके लिए कुंडली के दशम भाव में है, यानी कि मान सम्मान मिलेगा, समाज के लोग आपको प्रतिष्ठा देंगे, समाज में आपकी एक अलग पहचान बननी है। 20 तारीख को आ जाएंगे चंद्रमा एकादश भाव में, यानी कि पैसा आएगा, फंसा हुआ था कहीं वो भी आएगा, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी 20 तारीख को। कर्क के बाद सिंह की बात करेंगे। सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ सप्तम भाव में 14 और 15 तारीख को चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सप्तम भाव में जब चंद्रमा रहेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में 14 और 15 तारीख को अच्छा करोगे, फायदा होगा आपका। 16 और 17 तारीख को लेकिन संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि वालों 16 और 17 तारीख को चंद्रमा अष्टम में है, यानी कि संकट है, परेशानी है, बाधा है, रुकावट है, सावधान रहे। 18 और 19 तारीख को फिर चंद्रमा नवम भाव में है, आपके लिए बढ़िया है, यहां पर में चंद्रमा है आपके लिए अच्छा है, यहां पर बैठेगा आपका भाग्य भरोसे बहुत सारा काम होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। और 20 तारीख को चंद्रमा कुंडली के दशम भाव में, यानी कि सिंह राशि वाले कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा के होने के कारण 20 तारीख को लोग आपके सामने झुकेंगे, लोगों को झुकना पड़ेगा, लोगों को आपको मान सम्मान देना पड़ेगा, ऐसे लोग भी कुर्सी छोड़ेंगे जो आपको कुर्सी नहीं देना चाहते थे, छोड़ना पड़ेगा उनको, मजबूरी बन जाएगी। सिंह के बाद कन्या की अगर बात करेंगे तो कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ कुंडली के छठे भाव में 14 और 15 तारीख को चंद्रमा रहेंगे। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के रहने के कारण कुछ हेल्थ वाइज इशू 14 और 15 तारीख को आपको परेशान करेगी, तबियत वगैरह कुछ खराब होगा आपका, पेट से संबंधित, अपच से संबंधित, गैस से संबंधित, कुछ भी पेट से संबंधित परेशानी आपके सामने में 14 और 15 तारीख को कन्या राशि वाले आएगी, आपको सावधानी बरतनी होगी। मामा पक्ष से चाहो तो कुछ लाभ मिल सकता है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में आमदनी में बढ़ोतरी होनी ही होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि यहां पर में आ जाएंगे, सावधानी बरतनी होगी आपको कन्या राशि वाले, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, चोट वगैरह लग जाएगी। और 20 तारीख को चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में, यानी कि वृषभ राशि में, अर्थात कन्या राशि वालों को भाग्य भरोसे काम होगा इस समय में। 20 तारीख को भाग्य का साथ मिलेगा, जैसा चाहेंगे समय के पहिए को ऐसा मोड़ सकते हैं आप 20 तारीख को। कन्या के बाद तुला की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रमा का प्रवेश सबसे पहले तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ पंचम भाव में है 14 और 15 तारीख को। 14 और 15 तारीख को पंचम भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश संतान का सुख देगा आपको। जिसके पास संतान नहीं है, विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में मन रहेगा, जो लोग प्रेम प्रसंग में है अच्छा चलेगा लव अफेयर 14 और 15 तारीख को तुला राशि वाले आपका। कुछ अचानक से जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ भी आपको मिल सकता है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में यहां पर में रहेगा, यानी कि तुला राशि वालों को 16 और 17 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पेट से संबंधित परेशानी, कुछ आपके ऊपर में एलिगेशन, कुछ चिंता आपको परेशान कर सकता है। 18 और 19 तारीख को सप्तम भाव में आपके लिए चंद्रमा रहेंगे, यानी कि मेष राशि में, अर्थात जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की जो चाह थी वो पूरा होगी आपकी, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
20 तारीख को, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में है, चोट लग सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है, तो सावधानी बरतना पड़ेगा। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक धनु मकर कुंभ कुंडली के चौथे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि 14 और 15 तारीख को आपको सुख में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वाले माता से लाभ लेना चाहते हो वो मिल जाएगा, जमीन और मकान का सुख चाहते हो वो मिल जाएगा, जिसका व्यापार है जमीन मकान का गाड़ी का उसका अच्छा चलेगा, खूब बढ़िया मिलेगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे, कोई प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा है, कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा है, वृश्चिक राशि वाले अच्छा चलेगा, बढ़िया लाभ ले पाएंगे। आपको बता दूं 18 और 19 तारीख चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में रहेगा वृश्चिक राशि वाले, दुश्मनों से बिल्कुल सावधान रहे, दुश्मन आपके तरफ घात लगाए बैठा हुआ है, वो चाह रहा है कि एक मौका मिले और इसे समाप्त कर दो, नुकसान कर दो इसका, तो आप सावधान रहे, ज्यादा चिंता ना करें। वृश्चिक राशि वाले 20 तारीख को चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में आपके लिए आ जाएंगे, जिसके कारण से आपको इस समय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? तो 20 तारीख को आपको इस बात को समझना होगा पत्नी के साथ अथवा पति के साथ जितना बढ़िया संबंध बना के चलोगे, आपके जीवन साथी का ग्रोथ उतना ज्यादा तेजी से चलेगा, उतना ज्यादा बढ़िया होगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, संबंध अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना है। धनु राशि के बारे में अगर बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए धनु मकर कुंभ कुंडली के तीसरे भाव में 14 और 15 तारीख को चंद्रमा है, कुंडली के तीसरे भाव में 14 और 15 तारीख का चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपके लिए पराक्रम दिखाने का समय रहेगा। धनु राशि वाले ये अब पराक्रमी बने रहेंगे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल बने रहेंगे, साहस नहीं दुस्साहस करने का भी ये समय रहेगा, बड़े से बड़े रिस्क ले लेंगे आप 14 और 15 तारीख को। 16 और 17 तारीख को चौथे भाव में रहेगा तो सुख की प्राप्ति होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान का सुख मिलेगा। 18 और 19 तारीख को पंचम भाव में रहेंगे तो अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, प्रेम प्रसंग वगैरह के लिए बढ़िया समय है, संतान का सुख मिलेगा। 20 तारीख को कुंडली के छठे भाव में, यानी कि आपको दुश्मनों से सावधान, चिंता ज्यादा नहीं करना, हेल्थ वाइज इशू सामने आ सकते हैं तो सावधानी बरतनी। मकर की अगर बात करूं तो 14 और 15 तारीख को कुंडली के दूसरे भाव में धन धान्य संपत्ति के घर में मकर राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रमा है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा, आपके पास में पैसा ज्यादा से ज्यादा आएंगे 14 और 15 तारीख को मकर राशि, परिवार के लोगों का भी खूब सपोर्ट आपको मिलेगा। 16-17 तारीख को तीसरे भाव में रहेंगे तो आपको साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, तेजस्वी बना देगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, ईएनटी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है आपको उससे राहत देगा। 18-19 तारीख को चंद्रमा चौथे भाव में है, जमीन मकान गाड़ी प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित, गैरेज से संबंधित, बिल्डिंग से संबंधित जिसका काम है उसको अच्छा चलेगा, बढ़िया फायदा मिलेगा, और आप अगर एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आपके सुखों में बहुत वृद्धि करने का योग बनाएगा। देवी और सज्जनों मकर राशि वालों के लिए बीस तारीख को चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में रहेगा, यानी कि अचानक से धन लाभ के योग, रैंडम भुआ सट्टा लॉटरी से फायदे के योग, ज्ञान में वृद्धि के योग, दिमाग का सही इस्तेमाल होना, ये सब देखने को मिलेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में अच्छा समय। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पे विराजमान रहेगा, अर्थात आपके दिमाग का सही इस्तेमाल क्या होता है 14 और 15 तारीख को आप देखेंगे, बहुत अच्छा समय रहेगा 14 और 15 तारीख का। विनम्रता बनी रहेगी, कुछ बड़ा काम, कुछ गौरव करने लायक काम भी कर सकते हो। 16 और 17 तारीख को दूसरे भाव में तो बैंक बैलेंस करने का समय मिलेगा, पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा करने का समय मिलेगा, परिवार के लोगों से फायदा का समय मिलेगा, परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने का समय मिलेगा।
18 और 19 तारीख को तीसरे भाव में, यानी कि आपके अंदर साहस आएगी, पराक्रम आएगा, तेज आएगा, अपने बलबूते पर कुछ करने की इच्छा जागृत होगी। और 20 तारीख को चौथे भाव में, यानी कि सुख के साधन का भोग करेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। जिसका भी काम जमीन मकान गाड़ी बालू गिट्टी सीमेंट लोहा इन सब से जुड़ा हुआ है उनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश 14 और 15 तारीख को कुंडली के 12वें भाव में, जिसके कारण से मीन राशि वालों को 14 और 15 तारीख को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपका नुकसान होगा, आपका नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, नींद में कुछ बाधा आ सकती है, भोजन में डिले हो सकता है, आंख से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा 14-15 को। 16-17 को चंद्रमा मीन राशि में ही है, यानी कि आपके प्रथम भाव में ही, तो आपकी विनम्रता इसमें बनी रहेगी, गौरव करने लायक काम करेंगे, कमाल का काम करेंगे, जो भी करेंगे दिमाग सही समय पर में सही निर्णय लेता हुआ प्रतीत होगा। देवियों सज्जनों, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा, पड़ोसी से भी फायदा होगा, दुश्मन से भी लाभ लेना चाहे तो दिमाग का इस्तेमाल करके इस समय में लाभ ले सकते हैं, परिवार के लोगों से भी आपको फायदा होगा। 20 तारीख को चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव वृषभ राशि में रहेंगे, तो इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, इन सब मामले में समय बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, ये हमारा इस चैनल पर में पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर 14 से लेकर के 20 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, ना ही बहुत ज्यादा संक्षिप्त ना ही बहुत ज्यादा बृहत, सामान्य जो प्रक्रिया है उसके तहत बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, कमेंट में जरूर लिखें नारायण नारायण नारायण।